Okay, so good evening, everyone. My name is Abhishek, and I am from InSTEM Lab Foundation. It's a startup company. Also, we have started our NGO, in which we are conducting different free workshops for maximum of the government schools and in the private schools as well. Today's science experiment with balloons is all about the different activities that we can play with balloons and how we can understand the basic science behind that. So the material that we have here, we are going to discuss the material first. So we need around 5 to 6 minimum balloons. It can be of any size, if you can see the camera. So this is the size that we can use. If you have a little bit smaller one, that is also fine. Okay, that's the balloon. We need different kind of bottles. So I have some different size of bottles. So if you have this much, this is somewhere around 200 ml bottle. This will also work. अगर आपके पास में इसी टाइप की बॉटल्स हैं सारी, अगर आपके पास थोड़ी सी बड़ी है इस टाइप की, दैट विल आल्सो वर्क. और इफ यू हैव अ लिटिल बिट मोर बिगर, इस टाइप की है आपके पास में, तो ये भी चलेगी. ठीक है, वी नीड सम स्ट्रॉल्स. आपके पास कैसे भी स्ट्रॉल्स हो सकते हैं, डिफरेंट टाइप के. मेरे पास में इस टाइप के स्ट्रॉ है जो नॉर्मल हमें कोल्ड ड्रिंक्स में मिलते हैं. सो दिस इज अ लिटिल बिट हार्ड. ठीक है, एंड ऑल्सो आई हैव अ स्मॉल वन. हमारे पास में बड़े साइज के हैं, अगर आपके पास में छोटा साइज का है तो वो भी चलेगा. सपोज अगर आपके पास में इतना छोटा है, अबाउट दिस वन, तो दिस विल आल्सो वर्क. ठीक है, आपके कोई भी डाउट हो आप बीच में मुझसे अनम्यूट करके यू कैन आस्क आल्सो, और यू कैन टाइप इन अ चैट बॉक्स. ठीक है, पेपर कट वाला मैं भी बताता हूँ, आई विल कम टू दैट आल्सो. वी नीड वाटर. ठीक है, आप अपने कोई भी एक ग्लास में, जग में या वाटर बॉटल में अराउंड 1 लीटर के आसपास वाटर रखो अपने पास में, वो हम यूज करेंगे. ग्लास आपके पास कोई भी ग्लास हो सकता है. राइट नाउ आई हैव दिस ग्लास. ठीक है, दिस टाइप ऑफ ग्लास ऑल्सो यू कैन यूज इफ यू हैव एनी बाउल. ठीक है, आप वो यूज कर सकते हो किसी भी टाइप का. इफ यू हैव द नॉर्मल, एक्सक्यूज दिस विल ऑल्सो, दिस विल वर्क. यस बच्चे, सर, मैं ग्लास लेते आऊं, मैं ग्लास लाना भूल गई। ओके हाँ, आप कोई बात नहीं, अभी ले आना आराम से, पहले एक बार डिस्कस करते हैं. ठीक है, सर। किसी भी टाइप का ग्लास या कटोरी, कुछ भी बाउल चलेगा. ठीक है, मैच स्टिक वाला पार्ट है, वी नीड अ मैच बॉक्स. बट आई माइट, मैम वाज सेइंग कि काफी सारे छोटे बच्चे हैं, सो वी माइट नॉट डू दैट एक्टिविटी. ठीक है, बट वो देखते हैं, दैट विल द लास्ट वन. अगर हमें लगा मुझे कि हाँ हम करा सकते हैं, बिकॉज वी हैव टू बर्न द पेपर. सो लास्ट वर्कशॉप में हमने करा था, वो छोटे बच्चे क्या करते हैं कि वो अपने आप यूज करने लग जाते हैं मैच स्टिक को. ठीक है, सो दैट विल क्रिएट अ लिटिल बिट प्रॉब्लम. सो वो हम वो वाला बाद में देखते हैं. सो अगर इफ यू डोंट हैव अ मैच स्टिक, ठीक है, तो भी कोई बात नहीं. पेपर शीट 2 टाइप्स के हमें चाहिए. सो पेपर शीट क्या है? पेपर शीट इज समथिंग लाइक दिस. ठीक है, मेरे पास में एक छोटा सा पेपर है इस टाइप का, लाइक इट्स अ नॉर्मल रफ पेपर. ठीक है, और हमें क्या करना है उसका, हमें छोटे छोटे पीसेस करने हैं. अब कितने पीस करेंगे वो मैं आपको बताऊंगा जब हम एक्टिविटी वो वाली करेंगे. ठीक है, बिल्कुल स्मॉल पीसेस करने हैं हमें. कितने पीस चाहिए वो भी मैं आपको बता दूंगा. वी नीड अ विनेगर. जस्ट अ मिनट, सम स्टूडेंट्स आर वेटिंग. ओके, सो नेक्स्ट इज द विनेगर. तो विनेगर का हमें थोड़ा सा चाहिए. आई हैव अ बॉटल ऑफ विनेगर, स्मॉल बॉटल. सो मेरे पास में काफी ज्यादा विनेगर है, बट हमें थोड़ा सा ही चाहिए. सो दिस इज अबाउट 180 ml. तो बट हमें 20 ml के आसपास चाहिए, 10-20 ml. ठीक है, तो थोड़ा सा अगर आपके पास में है, दैट विल आल्सो वर्क. देन वी नीड बेकिंग सोडा. ठीक है, बेकिंग सोडा तो मेरे पास में छोटा सा वो है बॉक्स में, बेकिंग सोडा. ठीक है, वो हमें चाहिए. ये आपको किचन में अपने मिल सकता है. ठीक है, अगर आपके पास में कोई भी ऐसा चीज है जो नहीं है, ठीक है, सपोज विनेगर नहीं है या बेकिंग सोडा नहीं है, कोई बात नहीं, आप एक्सपेरिमेंट देखो कि कैसे होगा, एंड लेटर ऑन यू कैन डू दैट आल्सो. थ्रेड, सीजर, सेलो टेप, दीज आर द कॉमन आइटम्स. ठीक है, सीजर कैसी भी चलेगी, और थ्रेड जो है, थ्रेड मेरे पास में इस टाइप का है, लेट मी शो यू दिस वन. अगर आपके पास में थोड़ा सा मोटा थ्रेड है, दैट विल आल्सो वर्क. इससे पतला है, दैट विल आल्सो वर्क. ठीक है, नॉर्मल जो रील गुड होती है इवनिंग वो भी चलेगी. हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन. वी आर डिस्कसिंग द मटेरियल्स दैट वी हैव, जो अभी अभी बच्चे आए हैं. ठीक है, आप एक बार मटेरियल्स अपने पास में रखो, कोई भी डाउट है आपके पास में वो हम डिस्कस कर लेंगे. ठीक है, सेलो टेप हमें कोई भी टाइप की यूज कर सकते हैं. सेलो टेप एक छोटा सा पीस है, और आपके पास छोटी वाली है, दैट विल आल्सो वर्क. इससे बड़ी वाली है, दैट विल आल्सो वर्क.
ठीक है, कोई भी चलेगी, बस हमें छोटा सा पीस चाहिए। ठीक है, मटेरियल्स क्लियर हो गया सबको? कोई डाउट मटेरियल्स में? सबसे पहले एक बार मुझे बताओ। नो मैम, नो सर। ठीक है, गुड। नो सर। ओके, ग्रेट ग्रेट। तो लेट मी डू वन थिंग, लेट मी स्टॉप शेयरिंग माय स्क्रीन एंड एवरीवन, आई गेस यू कैन सी मी। या ओके, ओके, गिव मी अ मिनट सर, मैं क्लास लेते आई। हाँ ठीक है, गुड। ठीक है, सो व्हाट वी विल डू, लेट मी मेक सम स्पेस। सो सबसे पहले आपको क्या करना है, काफी सारे ऐसे स्टेप्स होंगे जो आपको अपने पेरेंट्स की हेल्प लगेगी उसमें, जो छोटे बच्चे हैं, जो बड़े बच्चे हैं, अगर आपको लग रहा है कि आप अपने आप कर सकते हो, दैट इज ऑल्सो फाइन, बट आई वुड सजेस्ट कि आप अपने पेरेंट्स की हेल्प लेना। अगर आपको थोड़ा सा भी लग रहा है डाउट कि हाँ कि ये स्टेप मुझसे नहीं हो रहा, सो मेक श्योर यू टेक अ हेल्प फ्रॉम योर पेरेंट्स और गार्डियंस। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू मेक अ मैजिक एक्टिविटी। ठीक है, सो हम क्या करेंगे, एक मैजिक करेंगे। और क्या मैजिक होगा सर? तुमने तो बोला था कि साइंस एक्सपेरिमेंट करेंगे, बट सर तो मैजिक करा रहे हैं। ठीक है, सो इज देयर एनी मैजिक इन रियल लाइफ? मैजिक होता है एक्चुअल में? किसी ने देखा है मैजिक? नो सर, नो सर, नो सर। ठीक है, सो व्हाट वी विल बी डूइंग, वी विल बी लर्निंग अबाउट, अगर देखो मैजिक क्या है, अगर आपको उसके पीछे की साइंस नहीं पता, ठीक है, व्हाट्स द बेसिक साइंस बिहाइंड दैट पर्टिकुलर थिंग दैट इज हैपनिंग फॉर यू, दैट विल बी मैजिक। बट अगर आपको पता है कि हाँ कि ये क्यों हो रहा है, दैट विल बिकम अ साइंस। साइंस का मतलब ही ये होता है टू नो, सिंपल सी डेफिनेशन है या सिंपल मीनिंग है, डेफिनेशन नहीं बोलेंगे इसको, हम मीनिंग बोलेंगे। ठीक है, सो एक सिंपल सा मीनिंग है क्या कि व्हाट इज साइंस, टू नो, दैट इज साइंस, कुछ भी जानना साइंस है। ठीक है, गिव मी अ मिनट, वन स्टूडेंट इज इन द वेटिंग रूम। ठीक है, नाउ क्या करेंगे, टेक अ बॉटल एवरीवन, टेक अ स्मॉल बॉटल। ठीक है, आप बड़े साइज का भी ले सकते हो, छोटे साइज का भी ले सकते हो, कैसे भी ले सकते हो। एंड व्हाट आई एम गोइंग टू डू, सर मेरे पास ऐसी बॉटल है, किसी भी टाइप की चलेगी, जो मैंने आपको पहले दिखाई थी छोटी बॉटल्स, वेयर आर माय बॉटल्स, हाँ इस टाइप की अगर है आपके पास, छोटी वाली ये भी चलेगी, बड़ी वाली भी चलेगी, कैसे भी। सरबत जो आपकी लेफ्ट हैंड में है ना बॉटल, हाई वाली यूज करो सरबत। तो टेक अ बलून, टेक अ बलून एंड दिस बॉटल एंड इसका कैप हटा देना ऊपर से, रिमूव दिस कैप। And what you have to do, place this balloon inside it. ध्यान से देखो everyone, see my camera. ये वाला balloon क्या है, मैंने क्या करा, इसके अंदर डाल रहा हूँ, I'm placing this balloon inside it. ठीक है, but मैंने छोड़ा नहीं, first everyone see, then you do it. And we will cover this using the nozzle of this bottle, like this, ऐसे, ये देखो, if you can see properly, मैंने क्या करा, जो उसका mouth था balloon का, उससे क्या करा, उसको कवर कर दिया नोजल को, किसके नोजल को, बॉटल के, ऐसे। Once everyone are done, you have to give me a thumbs up, ऐसे, तो जिससे मुझे पता लग जाएगा कि किस किस बच्चे का हो गया। ठीक है, so I'll be able to understand कि that yes you have done this। सर तीनों को तो नहीं रहा, एक में सिर्फ, एक में सिर्फ, एक बॉटल में। सर मेरा नहीं हो रहा, बस जो उसका वो है नोजल है, आपको माउथ जिसे हम बोलते हैं बॉटल, ढक्कन लगता है, ठीक है, वहां पे यस कवर करना, यस मल्हार का, ठीक है, यस काफी सारे बच्चों का हो गया, गुड। यस नाउ ध्यान से देखो, अभी करना नहीं है, दिस स्टेप इज वेरी इंटरेस्टिंग, ठीक है, और देखते हैं कि किसका होता है, और कोई बोलेगा नहीं कि सर मेरा हो गया या मेरा नहीं हो रहा, बस आप देखो। ठीक है, सो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इस बलून के अंदर फूंक मार रहा हूँ। ठीक है, सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, लेट्स सी।
देखो क्या हुआ, पता लगा? अब देखो, जस्ट हैव अ लुक। यस सर, बैलून ना आपका फुल गया। वेरी गुड, अब सब ट्राई करो आराम से, धीरे से, ज्यादा जान नहीं लगानी, ठीक है? यू हैव, इट विल बी अ नॉर्मल ब्लो, ठीक है? आराम से आपको ब्लो करना है, ये देखो। एंड यू कैन सी आई हैव नॉट होल्डेड एनीथिंग, देखो, इफ आई प्लेस माय फिंगर इनसाइड इट, तो हवा बाहर नहीं आ रही, ठीक है? ऐसा कभी देखा है कि बलून फुलाया और बिना नॉट करे, ठीक है, कुछ भी हमने यहाँ पे नहीं लगाया और हवा बाहर नहीं निकल रही, स्टिल ब्लो। नाउ एवरीवन, जिसने ट्राई कर लिया, लीव दैट, ठीक है? नहीं हो रहा, वेरी गुड रियांश, दैट्स व्हाट आई वांट, ठीक है? अगर नहीं हो रहा सो थम्स अप, हो गया तो थम्स डाउन, नहीं हुआ तो ठीक है, गुड, ठीक है। आई एम श्योर किसी का नहीं होगा, ठीक है? क्यों नहीं होगा, लेट्स सी, बिकॉज इट्स अ मैजिक। नाउ एवरीवन, व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू से एयर आउट, एंड द एयर व्हिच इज इनसाइड ऑफ दिस सर, मेरा बैलून फट गया। अरे कोई बात नहीं, तभी हमारे पास एक्स्ट्रा बलून्स है ना, सो यू कैन यूज द अदर। सर मेरा बैलून फुल नहीं रहा। हां, किसी का भी नहीं फूलेगा, बिकॉज मैजिक तो मुझे आता है ना, आपको भी थोड़ी मैजिक आता है, सो वी हैव टू लर्न अबाउट दैट मैजिक। सर मेरा भी नहीं फूल रहा है। हां, किसी का नहीं हो रहा, ठीक है? राजवीर इतनी जोर से ब्लो कर रहा है, कैन सी, ठीक है राजवीर, रिलैक्स, नहीं होगा अभी, मेरा भी नहीं फूला। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, यहाँ पे देखो, आई एम गोइंग टू से एयर आउट, ठीक है? तो ये क्या होगा, एयर बाहर निकलेगी, सो सब बच्चे बोलेंगे साथ में, व्हाट यू हैव टू डू, एयर आउट, सो जो मेरा बलून है यहाँ पे उसमें से हवा बाहर निकलेगी, ठीक है? 1 2 3 देन एयर आउट, सब बोलेंगे 1 2 3 एयर आउट, एयर आउट, एयर आउट, तो नहीं है ये बात, क्योंकि सब नहीं बोल रहे, ये सबकी बात सुनेगी, सिर्फ मेरी नहीं सुनेगी, इसको ये थोड़ी सी क्या है, ऊंचा सुनती है, ठीक है? जो बॉटल है, 1 2 3 एयर आउट, हाँ, सो 1 2 3 एयर आउट, एयर आउट, एयर आउट, एयर आउट, एयर आउट, यू सी व्हाट हैपेंड, एयर आउट, एयर आउट, एयर आउट, जस्ट कम आउट, एयर आउट, एयर आउट, एयर आउट, ठीक है? दोबारा ट्राई करें, देखते हैं, एयर आउट, देखो हवा भर गई, एयर आउट, सो व्हाट इज हैपनिंग हियर, इज दिस मैजिक, एयर आउट, नो दिस इज नॉट मैजिक, दिस इज जस्ट अ सिंपल साइंस, नाउ अंडरस्टैंड एवरीवन व्हाट आई हैव डन, आई हैव मेड अ होल ओवर हियर, आई एम नॉट श्योर इफ यू आर एबल टू सी, ये देखो यहाँ पे बॉटल के बिल्कुल नीचे, जो मेरा बॉटल है उसके बिल्कुल नीचे मैंने एक होल करा है, बस जस्ट अ सिंपल स्मॉल होल, ठीक है? एंड व्हाट इज हैपनिंग व्हेन आई एम ब्लोइंग, जब मैं इसके अंदर फूंक मार रहा हूँ तो यहाँ पे मैंने अपना थंब बाहर रखा हुआ है, ठीक है? दिस होल इज ओपन एंड द एयर इज इनसाइड, कोई बात नहीं, आप दूसरा यूज कर लो जिसका बलून फट गया, कोई बात नहीं, ठीक है? एंड व्हेन द एयर इज इनसाइड, जब हवा इसके अंदर है तो मैंने क्या करा हुआ है, अपना थंब यहाँ पे रखा हुआ है होल पे, तो यहाँ से अब हवा बाहर नहीं आ रही, सो एवरीवन मेक अ क्विक होल, यू कैन टेक अ हेल्प फ्रॉम योर पेरेंट्स, ठीक है? आप कोई भी पेन यूज कर सकते हो एक, ठीक है? या फिर आपके पास कोई ऐसी चीज है नोजल टाइप की, ठीक है, थोड़ी सी शार्प ऑब्जेक्ट टाइप, वो आप यूज कर सकते हो, यू कैन यूज दैट थिंग। एंड जैसे मैं इसको अपना जो थंब है यहाँ पे देखो, थंब को देखो, जैसे थंब हटाया यहाँ पे क्या हुआ, एयर इसके अंदर से बाहर चली गई। सो व्हाट्स द बेसिक साइंस बिहाइंड इट, वो भी हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। फर्स्ट एवरीवन मेक अ होल एट द बॉटम ऑफ योर, यस सर, मैं अपनी मम्मा की हेल्प ले, हाँ, you can take a help. Sir, done. Okay, किसका हुआ done? किसने बोला? Sir, मैंनी. हो गया. Okay, good. ठीक है, जिसका हुआ वो try करो. कैसे करना है? जब आप फूंक मार रहे हो, once you are blowing, ठीक है, तब hole open है. And जैसे ही हम रुक गए, फूंक नहीं मारी, तो हमने क्या करा? Hole को बंद कर दिया अपने thumb से. And जैसे हम अपना थंब हटाएंगे यहाँ से, एयर इज गोइंग टू गो इनसाइड ऑफ दिस, हवा क्या है, बाहर हवा है, देयर इज अ एयर अराउंड अस, राइट? सो हवा क्या होगी, इस होल में से जाएगी और यहाँ पे, एक्सक्यूज मी सर, यस सर, ये ठीक है, हाँ ठीक है, दैट इज करेक्ट, ठीक है? आप अब ब्लो करो, ट्राई करो, ब्लो करो, और जब ब्लो रुक जाओगे, जब आप मतलब फूक मारना रुक जाओगे, तो होल को बंद कर दो अपने थंब से, फिर देखो क्या होता है।
देखो एवरीवन अंडरस्टैंड, जब आप फूक मार रहे हो तो होल बंद नहीं होना चाहिए. वंस यू आर ब्लोइंग तो होल ओपन रहेगा, एंड जब आप फूक मारना रुक जाओगे तब होल को बंद कर दो. रियांश, हैव यू मेड द होल? आपने होल कर दिया, एक बार बताओ मुझे. अनम्यूट करो एक बार ये अपने आप को. हाँ ठीक है, ठीक है. हाँ, सो जब आप फूक मार रहे हो, इतना नहीं हो रहा है यहाँ पे मैम। मेरा किसका नहीं हो रहा है एक बार बताओ मुझे, नाम बताओ अपना. चैतन्य कुमार तो हाँ चेतन, आप इसको बलून लगाओ पहले. आपको बलून नहीं दिख रहा मुझे ऊपर. बिना बलून का मेरे कैसे से होगा? होल बंद ही नहीं हो रहा है। हाँ, सो आप क्या करो, कैसे होल होगा? आपको ऐसे नीचे से होल वो करना है, होल्ड करना है एवरीवन, ठीक है. एंड थंब को ऐसे करना है बस, ये देखो. क्योंकि अगर आप बात, यस फारूक का हो गया, वेरी गुड. सर डन। ओके गुड फारूक, नाउ लीव द होल. ओ ग्रेट, या नाउ इट्स वर्किंग. सर डन। गुड गुड. आदित्य, सर व्हाट इज इट वी हैव वर्किंग टू फॉर डू, यू? कैन यू टेल इट गिव मी थम्स अगेन? अप इफ इट्स वर्किंग. सर डन। ओके ग्रेट. सर कैन यू टेल इट अगेन व्हाट यू सर डिड? जस्ट अ सेकेंड, रियांश का नहीं हो रहा. रियांश अनम्यूट सर करो. यस, कौन बोल रहा है बच्चे? बोतल पर क्लिप भी लगाना है। यस बच्चे, दोबारा से बोलो. बोतल पे कैप भी नहीं लगाना नहीं कैप नहीं लगाना, कैप हटाए. देखो मेरे पास कैप नहीं लगा हुआ ना, सिर्फ मैंने क्या करा है, बलून लगाया है. यांश, आपने होल करा है नीचे? है। सर आप दिखाओ मुझे अपने बॉटल दिखाओ. हाँ ठीक है, इसके अंदर फूक मारो. होल करा है. क्या नाम है बच्चे आपका, गैलेक्सी के नाम से जो है? हाँ ठीक है, हो तो रहा है. हाँ देखो, अब क्यों नहीं हो रहा आपका, क्योंकि जो आप जब प्रेस कर रहे हो बॉटल, तो बॉटल भी पिचक रही है आपकी, है ना. तो वो होल क्या है, वो इसकी वजह से सर उसमें हवा जा रही है. सो इट्स मेरा वर्किंग, बट थोड़ा सा कम वर्क कर रहा है वो आपके केस में, क्योंकि बॉटल जो है आपकी वो पिचक रही है पूरी. बोलिए एक्सक्यूज बोलिए. मी सर, यस कैन यू टेल सर कैन यू टेल इट अगेन? इट्स नॉट वर्किंग। कौन है बच्चे, अपने अपना नाम बताओ एक बारी. किसका नहीं हो रहा? सर सात्विक। सात्विक, ठीक है. सात्विक, अपने मुझे वो दिखाओ, बॉटल दिखाओ फर्स्ट. लेट मी सी द बॉटल. कर रहे हैं ठीक है, थोड़ा सा नीचे करो, ऐसे बेंड करके दिखाओ मुझे ऐसे. हाँ, आपने होल्ड कर लिया बॉटल में. ठीक है, ब्लो करो मेरे सामने, कैमरे के सामने ब्लो करो. नहीं वेट वेट वेट, सात्विक यहां से नहीं करना, आपको ना बलून पे ब्लो करना है, कहता ऊपर से ऊपर. हाँ जोर से, जिससे बलून फूल जाए. ठीक है, मैं हल्का हो रहा था. सर मेरा भी हो रहा है। ओके गुड गुड. ठीक है, सो आपको क्या करना है, मैं दोबारा से एक बार रिपीट करता हूँ. प्रियांश ध्यान से देखो, यहाँ पे मैंने बलून को ऐड कर दिया, ठीक है. और यहाँ पे क्या करा है प्रियांश, यू आर नॉट सीइंग. देखो जल्दी से प्रियांश. बॉटल ठीक है, यहाँ पे एक होल करा हुआ है मैंने, ठीक है. जैसे मैं यहाँ पे ब्लो कर रहा हूँ ऊपर से, देखो हुआ. और जैसे धीरे धीरे मैं यहाँ से छोड़ रहा हूँ, तो क्या हो रहा है ये देखो. सो व्हाट इज हैपनिंग हियर, क्या हो रहा है, लेट्स अंडरस्टैंड दिस. द एयर व्हिच इज इनसाइड ऑफ दिस बलून कैन नॉट कम. यस एवरीवन, यस नूतन का वर्क कर रहा है, वेरी गुड. सो व्हाट इज हैपनिंग हियर, हो गया एवरीवन अंडरस्टैंड द बेसिक सर, साइंस. मेरा हो ओके गुड गुड, लेट्स अंडरस्टैंड द साइंस क्विकली. ठीक है, जल्दी से करते हैं, हम काफी टाइम लगा रहे हैं एक गया। एक्टिविटी में. एक एक्टिविटी में हमें बस 10 मिनट्स लगाने हैं, दैट्स इट. ठीक है, बट वी हैव ऑलरेडी डन द 10 मिनट्स. ठीक है, जल्दी से एक बार देखते हैं व्हाट इज हैपनिंग. द एयर अराउंड अस दैट वी हैव हियर, व्हाट इज हैपनिंग वंस आई एम ब्लोइंग, देयर इज अ स्मॉल कॉन्सेप्ट ऑफ एयर प्रेशर. ठीक है, क्या हुआ जब यहाँ पे हवा गई इसके अंदर, ठीक है, तो
तो हवा यहाँ से बाहर नहीं आ रही बिकॉज द एयर प्रेशर इज डिफरेंट बिकॉज देयर इज अ डिफरेंस इन एयर प्रेशर यू कैन से ठीक है बट वंस आई एम रिमूविंग माय थंब फ्रॉम हियर जैसे मैं अपना जो थंब है यहाँ पे हटाता हूँ तो जो बाहर की एयर है दैट विल गो फ्रॉम इनसाइड फ्रॉम दिस होल एंड क्या होगा जो अंदर वाली बलून है यहाँ पे जो एयर है इसको क्या करेगी इट विल पुश दिस एयर ठीक है इस बलून के अंदर जो एयर है उसको पुश करेगी एंड देन द एयर इज गोइंग टू कम आउट फ्रॉम हियर फिर हवा यहाँ से बाहर निकलेगी ठीक है समझ आया एवरीवन क्या हो रहा है यहाँ पे सो नाउ अभी आपको पता है नाउ योर सिबलिंग विल कम या आपके फ्रेंड्स होंगे yes, नहीं पता ठीक है व्हाट यू विल डू आप सेम चीज करोगे जो जिससे पहले पहले करी थी आप उनको नहीं बताओगे दैट यू हैव मेड अ होल एंड यू विल गिव देम अ चैलेंज दैट ट्राई टू ब्लो दिस बलून एंड वो ट्राई करते रहेंगे उनसे नहीं होगा फिर क्या होगा फिर आप क्या करो आप छुपके से आप ऐसी बॉटल रखो अपने पास में या उसके अंदर छुपके से होल कर दो कि जिससे आप वहां पे आपका होल हो जाए एंड नाउ यू नो द ट्रिक और वी कैन सी द मैजिक बट एक्चुअल में मैजिक है नहीं राइट व्हाट इज इट द साइंस बेसिक साइंस बिहाइंड इट ठीक है एक्सक्यूज मी सर यस सर मैंने यहाँ पे एक बलून भी डाल दिया और यहाँ पे एक मैंने होल भी कर दिया मैं होल पे होल यस जब भी मैं होल पे रख के फूंकता हूँ नहीं होल पे रख के नहीं फूकना ठीक है जब आप ब्लो करोगे तो होल पे हाथ नहीं होना चाहिए ठीक है जब ब्लो बंद कर दिया तो बाहर आ जाता है बार बार हाँ तो क्या करना है आपको ध्यान से देखो जब हम सर जो होल है वो आपको अच्छे से बंद करना होता है ठीक है अगर वो हल्का सा भी बंद नहीं हुआ तो यहाँ से एयर जाती रहेगी तो हवा बाहर आ ही जाएगी सो आप जो तो नहीं यहाँ पे होल करने के बजाय ना यहाँ पे होल करो साइड में ऊपर की साइड में ओके सर हाँ ठीक है लेट्स कम टू द नेक्स्ट एक्टिविटी सर मेरा दूसरे बोतल पर हो गया ओके गुड गुड ठीक है नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट एक्टिविटी इज वेरी इंटरेस्टिंग इसके लिए आपको वाटर चाहिए व्हाट वी नीड अ अनदर बॉटल एंड वी नीड टू मेक अनदर होल इन इट ठीक है वी नीड अनदर होल इन इट सो आपको क्या करना है देखो मैंने एक छोटी बॉटल ली है आप छोटी बड़ी कोई भी बॉटल ले सकते हो एंड आपको एक होल करना है उस साइज का होल करना है जिसमें आपकी स्ट्रॉ जा सके ठीक है टेक अनदर बॉटल एक और बॉटल लो छोटी सी कोई भी आप बॉटल यूज कर सकते हो एंड मेक अ होल जिसमें आपकी स्ट्रॉ जा सके आई एम यूजिंग दिस स्ट्रॉ आपके पास और कोई स्ट्रॉ है तो वो यूज कर सकते हो टेक दिस वन आपकी जो स्ट्रॉ है वो जा सके ठीक है बहुत बड़ा होल नहीं होगा बहुत छोटा नहीं होगा इजिली उसके अंदर और ऊपर की साइड पे करना ये चीज ध्यान रखना नीचे नहीं करना दिस टाइम वी हैव टू प्लेस द होल ऑन हियर आप देखो मेरी स्क्रीन पे इफ यू कैन सी यस मल्हार कम टू द नेक्स्ट एक्टिविटी लीव द फर्स्ट एक्टिविटी वी आर डूइंग द सेकेंड एक्टिविटी नाउ दूसरी एक्टिविटी कर रहे हैं सर वन सेकंड मेरा भी होल बना रही हूँ हाँ कोई बात नहीं आराम से करो सिर्फ होल में टाइम लगेगा और एक्टिविटी तो सिंपल है सेम कॉन्सेप्ट है नाउ वी आर मेकिंग अ बलून पंप साइड में क्या क्या मल्हार होल साइड में क्या नहीं मुझे नहीं पता लगा हाँ बनाना है ना होल साइड में बनाना है क्या ऊपर हाँ ये देखो यहाँ पे जहाँ पे स्ट्रॉ गया हुआ है ठीक है मैं स्ट्रॉ एक बार निकाल देता हूँ okay. यहाँ पे ऊपर की साइड पे मैंने होल बनाया है जहाँ पे इसका माउथ होता है उसके साइड में थोड़ा सा नीचे यहाँ पे ठीक है और इस साइज को बनाना है जिसमें स्ट्रॉ जा सके तो मैं ये वाला स्ट्रॉ यूज कर रहा हूँ छोटे वाला तो यहाँ पे इसके अंदर ऐसे आराम से चला गया आपके पास अगर मोटा स्ट्रॉ है तो थोड़ा सा मोटा होल हो जाएगा दैट विल ऑल्सो वर्क ठीक है जल्दी से एक बार करो ऑल्सो लिसन एवरीवन 10 मिनट बाद 10 नहीं 8 मिनट बाद ये मीटिंग बंद हो जाएगी ठीक है सो आपको उसी लिंक पे सेम लिंक जो आपका है उसी पे क्लिक करके दोबारा से ज्वाइन करना है ठीक है 10 मिनट बाद जब बंद हो जाएगा ये चीज ध्यान रखना सर मेरा होल बन ही नहीं रहा है अगर बन गया तो मेरा पाइप ना वो नीचे नहीं जा रहा है अच्छा एक बार दिखाओ मुझे कोई बात नहीं थोड़ा सा बड़ा हो गया तो भी कोई बात नहीं और पूरा थोड़ा सा और आगे करो
रिधिका थोड़ा सा कैमरा के आगे करो ऐसे। अच्छा आपने उल्टा डाला है ना, जो छोटे वाला पार्ट पोर्शन है उसको बाहर रखो और बड़े वाले को अंदर रख दो, नीचे की साइड पे होना चाहिए। ये देखो ये नीचे जा रहे हैं ना ऐसे, फंसा दी। आराम से, कोई बात नहीं, हो जाएगा। हो गया मेरा होल सर, देखिए ना फिर भी नहीं हो रहा है। आप अब एक बार मुझे स्ट्रॉ दिखाओ दीदी का। सर मैंने बना लिया। दिखाओ, ये बेंड स्ट्रॉ है या स्ट्रेट स्ट्रॉ है? एक्सक्यूज मी सर, यस सर मेरा थोड़ा बड़ा होल बन गया है। कोई बात नहीं, फिर भी नहीं हो रहा, मैं नीचे से मुड़ जा रहा है। कोई बात नहीं, अगर मुड़ रहा है तो देखते हैं वर्क करेगा, ठीक है? हल्का सा अगर मुड़ रहा है तो कोई बात नहीं, इट विल बी फाइन। यस सर, हल्का सा अंदर से मुड़ जा रहा है। हाँ कोई बात नहीं, दिस विल वर्क। यस मल्हार आपका ये केस ठीक है, थोड़ा सा उसको और अंदर डाल दो। हाँ ठीक है, ये ठीक है। अगर किसी को ऐसा लग रहा है कि ज्यादा बड़ा स्ट्रो है, आप अपने अकॉर्डिंग कट कर सकते हो, दैट विल आल्सो वर्क, है ना? नहीं सर्वर फूक नहीं मारनी, ठीक है? फूक वाला हो गया, वो वापस आएंगे उस वाले पे, फूक वाले पे, ठीक है? नाउ व्हाट यू डू, टेक अ बॉटल व्हिच हैज अ वाटर, ठीक है? मेरे पास में इस बॉटल में पानी है, दूसरी बॉटल में, और जो यहाँ पे मैंने होल करा था, जिस बॉटल में मैंने होल करा था उसमें मैं पानी डालूंगा। कितना पानी डालना है? अबाउट हाफ, ठीक है? अगर आपके पास में बड़ी बॉटल है तो उसमें थोड़ा सा ज्यादा पानी लगेगा, अगर छोटी बॉटल है तो उसमें कम पानी, बट समवेयर अराउंड हाफ आपको डालना है। बट एक चीज ध्यान रखना, जहां पे आपने होल करा है, ठीक है, उससे हाफ पानी होना चाहिए बस। मल्हार अभी भी फूक मार रहा है पहली वाली एक्टिविटी पे, है ना? ठीक है, तो इसके अंदर क्या करो, थोड़ा सा पानी डाल दो। लेट मी आल्सो प्लेस द वाटर। सर इतना ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंग अपने थोड़ा सा, हाँ ठीक है, आप ठीक है आदित्य। ये चीज ध्यान रखनी है, जो हमारा होल था जहां पे हमने स्टोर डाला है उससे नीचे होना चाहिए पानी, देखो इतना ऐसे। एक्सक्यूज मी सर, यस सर मेरा नीचे जाके ना वो थोड़ा सा स्ट्रॉ पाइप ऐसे मुड़ गया है। कोई बात नहीं, देखो हम क्या कर रहे हैं, वी आर मेकिंग अ बलून पंप। ओके सर, सर इतना ठीक है? यस ठीक है तनुका, राइट? हाँ ठीक है तनुका, ठीक है मल्हार, आपको भी ठीक है? यस सर, ठीक है। आई गेस होगा मेरा। नाउ टेक अ बलून, होगा मेरा। एवरीवन टेक अ बलून, होगा मेरा। मेरा नेक्स्ट स्टेप, एवरीवन क्विकली डू इट, टेक अ बलून, एक बलून लो, देन व्हाट यू हैव टू डू, ब्लो द बलून, इस बलून को फुलाना है, ठीक है? क्विकली ब्लो द बलून सर, इतना काफी है वाटर। कौन पूछ रहे बच्चे? चेतन है सर, चेतन कुमार। हाँ ठीक है, ओके सर, ठीक है। ये क्या करा मैंने, बलून को फुला दिया लाइक दिस, देन इसको क्या करो, ऐसे मोड़ दो। सर मुझसे ज्यादा बड़ा नहीं हुआ, कोई बात नहीं, जितना भी हो थोड़ा सा, ठीक है? अब एक चीज ध्यान रखनी है, यू नीड अ ग्लास, ठीक है? एम्प्टी ग्लास या एम्प्टी बाउल, कुछ भी आप यूज कर सकते हो। मेरे पास में एक बाउल है छोटा सा, ठीक है? आई एम यूजिंग दिस वन, और मैं क्या कर रहा हूँ, इसको मैं यहाँ पे प्लेस करता हूँ, एंड आई विल मेक सम अरेंजमेंट, आई गेस यू विल बी एबल टू सी नाउ। यस सर, ठीक है, सबको दिख रहा है? सो यहाँ पे क्या है, मैंने यहाँ पे रखा है, एंड वी आर मेकिंग द बलून पंप। Now what is going to happen, once I place this balloon on the top of the bottle, what is going to happen, the air inside the balloon will go inside the bottle, and what is going to happen, the air is going to fill and it will push the water, wo kya karegi, pani ko bahar nikalne ki koshish karegi, dhakka degi, theek hai? So we have a passage, this straw will act as a passage, to kya hoga, yahan pe jo bhi pani hai bottle ke andar wo is straw ki help se yahan se bahar aayega, this again act as a air pressure. So kya hoga, there is a difference in air pressure over here. So let me show you how it works. Everyone see the camera and be very careful. Okay. Let me do this. Are you able to see? Dekho kya ho raha hai?
the water is coming out. Right? I hope you understood. Okay, quickly try this. Yes, sir. मैंने fit कर दिया. अगर किसी कोई activity अभी साथ के साथ भी नहीं होती, तो भी कोई बात नहीं. आप समझो और उसको बाद में भी कर सकते हो. Don't worry about that. Sir, can you show? Yes, I have shown ना. मैंने दिखाया था. I need to blow the balloon again. I'll do that. But एक बार आप वो करो सब अपने आप ट्राई करो. आप उसको बलून क्या करना है आपको? इसके ऊपर बलून फुला के लगाना है. अभी तो ये इन्फ्लेट हो गया. Okay, so you have to blow the balloon again. And जो आपका बॉटल का कैप है, जहाँ पे कैप नहीं लगा हुआ है, नोजल वाला पार्ट, यहाँ पे आपको बलून लगाना है. And once the air will go inside, it will push the water out. तो यहाँ से क्या होगा? वाटर स्ट्रोक की हेल्प से बाहर आ जाएगा. एक्सक्यूज मी सर. यस सर, मैं बैलून एवरीवन वेट एवरीवन द टाइम इज अबाउट टू अप. सो आपको क्या करना है? लिसन क्वाइट. मेरा हो गया. मीटिंग खत्म होने वाली है. आपको दोबारा से लिंक पे क्लिक करके ज्वाइन करना है. ठीक है एवरीवन, ज्वाइन इट अगेन. ठीक है, we have to join it again everyone. So meeting is about to end. Click on the same link and join. Sir, mera ho raha hai. Okay, good. Pani ho gaya. Iska bhi saath saath ho raha hai. Aap agar video bana sakte ho ya photos le sakte ho, aap apne saath saath photos lo. Theek hai. Dobara se join karna hai sabko. कभी भी वो खत्म हो जाएगा.